बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में ही बनी रहती हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से कभी पीछे नहीं हटती, जिसकी वजह से वो कभी कभी ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती हैं। इस बार भी स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। दरअसल उन्होंने संभल में हो रही हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की जानकारी सामने आई। इस हिंसा के दौरान गोलीबारी और पथराव भी किया गया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं यूपी के संभल में हुई इस हिंसा पर अब स्वरा भास्कर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने लिखा है, हम भारत में उस स्थिति में हैं जहां कानून लागू करने वाले लोग नागरिकों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, और न्यायपालिका वो शायद भगवान से सलाह ले रहे हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। बिल्कुल बकवास। बता दें कि संभल हिंसा के बाद से स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के पोस्ट शेयर और रीट्वीट भी कर चुकी हैं। उनका ये पोस्ट खूब वायरल भी हो रहा है। बता दें कि संभल में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। तो वहीं इस हिंसा के बाद से सियासत भी चल रही है। विपक्ष के नेता इस पर जमकर बवाल काट रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने सपा सांसद सहित 250 से भी ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा पेश करने के बाद जब 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर के साथ साथ टीम मस्जिद में सर्वे करने पहुंची तो करीब 1 घंटे के सर्वे के दौरान ही यहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ लोग मस्जिद के अंदर भी पहुंच गए, बाहर भी भीड़ लगी थी, लेकिन नमाज का समय बताकर लोग अनाधिकृत रूप से अंदर जाने का प्रयास करते रहे। ऐसे में रात का समय और भीड़ को देख सुरक्षा कारणों को भी देख सर्वे कार्य को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद ही सर्वे के लिए 24 नवंबर को टीम सुबह मस्जिद में पहुंची थी। आरोप ये लगा कि सुबह 11 बजे सर्वे खत्म कर जैसे ही टीम बाहर निकली तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। टीम के सदस्यों से धक्का मुक्की की गई। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस और सर्वे टीम पर पथराव भी किया और आगजनी करने की कोशिश भी की। तो वहीं पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायर की और आंसू गैस के गोले भी दागे। खबर ये है कि भीड़ से गोली भी चलाई गई। संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और ये समय बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं जिला प्रशासन ने सोमवार तक 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी थी। घटना के बाद से बाजार भी बंद किए गए थे। फिलहाल सुबह हिंसा के बाद कोई दूसरी घटना सामने नहीं आई, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि पूरे मुरादाबाद रेंज के 30 थानों की पुलिस को संभल में तैनात किया गया है। संभल की शाही मस्जिद को लेकर कहा जा रहा था कि ये पहले हरिहर मंदिर था। तो वहीं 19 नवंबर को सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में शाही जमा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा पेश किया था। तो वहीं कोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और 7 दिन में सर्वे का आदेश भी दिया। पहले चरण में टीम वीडियोग्राफी के बाद लौट आई थी। तो वहीं दूसरे चरण के सर्वे के लिए टीम रविवार सुबह 7 बजे मौके पर पहुंची। बताते चले कि इस इलाके में हफ्ते भर से तनाव बढ़ा ही हुआ है। तो वहीं अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है कि सर्वे पूरा हो चुका है और 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।